गुड मॉर्निंग। और आज मेरे से दो स्टूडेंट टकरा गए कॉलेज में। ये बच्चे पुराने हमारे आए हुए थे, आप हरि आशीष को देख रहे हैं और ये शिवप्रिया। हाँ, तो दोनों ही बहुत प्यारे बच्चे और पिछले ही साल दोनों पास आउट हुए हैं। तो अभी इनका सिमेज में एक साल हुआ है इनका कोर्स पूरा हुए, और थोड़ा पीरियड इन्होंने लॉकडाउन में भी गुजारा, लेकिन अच्छी खासी यादें इनके पास है सिमेज की, है ना। और दोनों को कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिला, दोनों ने ज्वाइनिंग्स भी करी, बहुत कुछ सीखा। हरी, तुम बताओ कि तुमने सिमेज में क्या याद आती है, तुम्हें कहाँ प्लेसमेंट मिला था और तुम्हारा क्या अनुभव रहा? स्टार्टिंग में 2017 और 20 का हमारा सेशन था बीबीए एक्यू का, और हम आए यहाँ से डायरेक्टर सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। फर्स्ट डे इंडक्शन डे के दिन डायरेक्टर सर हमसे डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्ट किए, अपने कॉलेजेस के बारे में हमें बताया, यहाँ के वर्क पढ़ाई की इन्वायरमेंट के बारे में बताया, किस तरीके से सिमेज पास्ट में ग्रो करती आई है और आगे ग्रो करती जा रही है इसके बारे में डायरेक्टर सर ने हमें बताया। और फिर यहाँ का जो स्टडी था, स्टडीज पढ़ी हमने बहुत अच्छे, टीचर्स फैकल्टीज बहुत अच्छे से पढ़ाए हमें, काफी अच्छे तरीके से नॉलेज दिया हमें और काफी हेल्प करा हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाने में, जहाँ पे अभी हम लोग ग्रोथ के स्टेज पे पहुंच चुके हैं। ग्रो कर रहे हैं। और कैसे अपने ग्रोथ को डिफाइन करोगे, कैसे कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? सर, यहाँ से जब हमारा फिफ्थ सेम ही चल रहा था, उस टाइम पे ही आईसीआईसीआई बैंक आई हमारे प्लेसमेंट्स के लिए, हमारा इंटरव्यू हुआ। हमारे इंटरव्यू के लिए हमारे पीछे हमारे यहाँ के फैकल्टीज ने बहुत हेल्प करी हमें, इंटरव्यू के लिए अलग से क्लासेस चली हमारी, कैसे इंटरव्यू को फेस करना है। उदार सर ने इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल की क्लासेस ली, उदार सर ने और आनंद सर ने सब हमने हमें इंटरव्यू हैंडल करने के लिए सिखाया, कैसे पैनिक नहीं करना है, इंटरव्यू को बोल्डली और कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है, ये सारी चीजें हमें बताई, जिसकी वजह से हमने आईसीआईसीआई बैंक का इंटरव्यू क्रैक किया। और फिर हमारा जो कोविड के वजह से थोड़ा सा बैच डिले हो गया, बट नेवरदलेस हमारी प्लेसमेंट वहाँ आईसीआईसीआई बैंक में सक्सेसफुली हो गई, और वहाँ जाकर के हमें काफी कुछ सीखने को मिला। हमारा वर्क कल्चर वहाँ के हैदराबाद के मेन हेड ऑफिस में, जहाँ हमारा हेड ऑफिस है आईसीआईसीआई बैंक का, वहाँ हमारी पोस्टिंग हुई, वहाँ जाकर के हमने बहुत सारी चीजें सीखी। एज अ फ्रेशर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हमें, वहाँ पे जाकर के काम करने का तरीका सीखने का। कैसा लगा आईसीआईसीआई का जो वहाँ पे जो ऑफिस है वो कैसा है? बहुत अच्छा है सर, हेड ऑफिस से बता दिया, पूरे इंडिया का हेड ऑफिस हैदराबाद में, तो ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा ऑफिस है, आप एक दिन में भी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट उसको पूरा कहा जाता है। सर, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में वो ऑफिस है, और वो बहुत ही अच्छा ऑफिस था। और अब तुमको और भी प्लेसमेंट मिला था? हाँ सर, सबसे बड़ा प्लेसमेंट मेरे को जो सिमेज कॉलेज से मिला वो था बायजूस का प्लेसमेंट, जो कि 10 लाख का था, तो वो प्लेसमेंट भी मुझे मिला। मैंने उसका इंटरव्यू क्रैक किया था, 3 राउंड्स हुए थे इंटरव्यूज के, काफी डिफिकल्ट और टफ राउंड्स थे, बट इसमें भी टीचर्स ने फैकल्टीज ने हेल्प करी थी, जिसकी वजह से बायजूस का भी मेरा इंटरव्यू क्रैक। कितना पैकेज मिला था उसमें? 10 लाख का पैकेज मिला, 10 लाख का पैकेज मिला था। चलो अब शिवप्रिया की बात करते। अच्छा, तुम ये तो बताना भूल ही गया कि अभी तुम कहाँ काम कर रहे हो? वहाँ से आईसीआईसीआई बैंक से वेल रिकॉग्नाइज होने के बाद मैं वहाँ से स्विच किया फ्लोगेन इंजीनियरिंग अहमदाबाद में। अभी फिलहाल मैं वहाँ पे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। अहमदाबाद शहर कैसा है? बहुत प्यारा है सर, गुजराती फूड पसंद आ रहा है? आ जाता है, थोड़ा मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, खाकड़ा फाफड़ा वो थेपला, सारी चलती रहती है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है, बस दोपहर का खाना वो दाल वगैरह में मीठा वीठा सब डाल देते। हैदराबाद में मसालेदार था? हैदराबाद मसालेदार था यार, बिल्कुल ही चेंज हुआ, एकदम से मीठा मीठा हो गया। इंजॉय करो इंडिया को, अच्छी जगह, इंडिया को इंजॉय करो। अभी तुम सिमेज से निकले हो, अब तुम एक अलग अलग शहर का मजा लो। बिल्कुल, जब तक शादी नहीं होती तब तक ये सब इंजॉय करो। तो शिवप्रिया तुम अपने बारे में बताओ। सिमेज में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, हमारे फैकल्टीज बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत प्यार से पढ़ाते थे, और डायरेक्टर सर आपसे भी काफी कुछ, मेरे सामने तो मेरी तारीफ करोगी करोगी तुम, ऐसा नहीं है सर। और फिर सारे फैकल्टीज बहुत कोऑपरेट करते थे, कोई भी डिफिकल्टी होती थी हम लोगों को वो तो बहुत अच्छे से हेल्प करते थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बस थ्योरेटिकली पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे प्रैक्टिकली भी पढ़ाई होती है कि आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो कैसे। नीतीश सर ने जो लेसन समझाए थे अभी तक समझ में याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल याद है। हमारा कभी कभी मन भी करता है कि हम आए, कभी आपने स्टार्ट किया था पीयर टू पीयर लर्निंग, वो हमेशा से एक ख्वाहिश थी आपने भी। तो तुम लोग को एक सेशन देता हूँ मैं कभी,
क्या नाम है उसके लिए, मेंटरशिप के लिए एक बार जरूर हम भी अपने जॉब से थोड़ा टाइम निकाल करके, मैं तो जरूर चाहूंगा कि यहाँ पे जो नीतीश सर ने स्पेशली जो पढ़ाया है हमें फाइनेंस, तरीके से फाइनेंस पढ़ाया है जो, और तुमको वो आईसीआईसीआई में समझ में आई होगी बात की। जी सर वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर था तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें हम काफी रिलेट कर सके वहाँ पे। और नीतीश सर का एक वो चैप्टर था इन्फ्लेशन का जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर था, जो बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था, उसकी नोट्स हर एक चीज, वो मैं कभी मौका मिले तो मैं जरूर आकर के यहाँ के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से भी थोड़ा सा कुछ पढ़ा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस सुप्रिया। और सर जो भी लेसन हमें मिले, जैसे नीतीश सर ने जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पढ़ाए वहाँ पे ट्रेनिंग में बहुत काम आया, मतलब हमें बहुत इजी लगा वो, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था सर। तो अभी तुम करियर में आगे क्या कर रही हो? सर हैदराबाद से आईसीआईसीआई जॉब करने के बाद अभी फिलहाल एमबीए के लिए जाना है। एमबीए कहाँ से कर रही हो? सर ये बीआईटी मिश्रा। बीआईटी मिश्रा से, गुड, वेरी गुड। सो यू आर नाउ प्लानिंग फॉर योर बिगर सक्सेस इन योर फ्यूचर, एंड आई विश बोथ ऑफ यू कि तुम लोग दोनों को और बड़ी सफलताएं मिले, और तुम लोग अपने परिवार के लिए और सीमित संस्थान के लिए और अपने राज्य के लिए जहां भी जाओ अच्छा नाम करो। और मुझे बड़ा खुशी होता था हैदराबाद में जब मैं देखता था कि बच्चों का वहां पर सीमित का नाम स्टेज से अक्सर पुकारा जाता था। हाँ, हैदराबाद के ऑडिटोरियम में जो बड़ा, आप तुम लोग ऑडिटोरियम में गए होंगे, वहाँ के हमारे जो ट्रेनिंग मेंटर्स वगैरह भी थे, यूनिट मैनेजर्स थे, वो भी हमेशा हमें एग्जांपल्स देके समझाते हैं कि देखो ये तुम्हारे सीनियर्स ऐसे किए, तुम भी ऐसे करो। हाँ, नहीं काफी बच्चे जो सिमेज में थे हैदराबाद में, सिमेज में मतलब आईसीमेज के बच्चे जो आईसीआईसीआई बैंक में थे, वो लोग अब दूसरी कंपनियों में स्विच भी बहुत किया है और बहुत हाई पैकेज पे प्रोसेस। हाँ, आगे फर्दर प्रोसेस प्रोसीड कर रहे हैं वो लोग, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। अमेजन वगैरह में काफी बच्चे गए वहाँ से। हाँ, और तुम भी अहमदाबाद गए होगे तो कुछ सैलरी हाइक मिला होगा इसलिए गए होगे। क्या पैकेज है बताओ? अभी सर वहाँ पे 7 लाख पैकेज, 7 लाख मिल रहा है। दैट इज अ गुड सैलरी पैकेज, दैट इज अ गुड सैलरी पैकेज। एंड अगर इंजीनियरिंग की कंपनी है तो स्टेबल स्टेबल है। यस, ऑब्वियसली। और एक्चुअली मैं को वहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी कि एक इंजीनियरिंग कंपनी में, मैंने दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचा कि वहाँ सारे लोग जो इंजीनियर्स जाते हैं तो उन चीजों को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट स्टूडेंट भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कंपनी वहाँ मैनेजमेंट स्टूडेंट तुमको किस सेक्टर में नहीं लगेगा? वही बात, आईटी सेक्टर में नहीं लगेगा कि पेट्रोलियम कंपनी में नहीं लगेगा कि तुम्हारे हॉस्पिटल में नहीं लगेगा, हर जगह लगेगा। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। मैनेजमेंट सेक्टर की वहाँ एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी जिसकी वजह से मैंने वहाँ स्विच किया। तो तुम्हारी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, वो सर्विसेज देती है, वो क्या है? वो सर एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि पावर सबस्टेशंस पे फायर फाइटिंग सिस्टम्स की और एचवीएसी सिस्टम्स, एएचयूज़, यानी बेसिकली तुमको बीटूबी मार्केटिंग करनी होती है। यस सर, बीटूबी। और हम डायरेक्टली गवर्नमेंट के जो पावर सबस्टेशंस होते हैं वहाँ पे भी हम फायर फाइटिंग, माने जो एनटीपीसी, पावर ग्रिड। जी सर वो सारे, और फॉरेन के भी कंपनीज के हम लोग प्रोजेक्ट्स लेते हैं, हैंडल करते हैं। मतलब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हम लोग हैंडल करते हैं उस कंपनी में। हो सकता है आने वाले दिनों में तुमको फॉरेन विजिट नहीं है सर, बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से मुझे मिलने वाली है। तो मतलब तुम्हारी कंपनी जो है वो यूरोपियन या एशियन कंट्रीज में, बांग्लादेश और नेपाल, ये सारे का तो होते ही रहता है। हाँ। और साउथ अफ्रीका के भी कुछ प्रोजेक्ट हमारी कंपनी ने किए हैं। हाँ। और ये सब जगह के, नाइजेरिया की भी कंपनी के प्रोजेक्ट किए हैं हमारी कंपनी ने। तो ये सारे होपफुली तुमको अच्छे अच्छे कंट्रीज का एक्सपोजर मिले, ठीक है। और शिवप्रिया तुमको तुम्हारे कॉलेज से, जो भी जहाँ तुम पढ़ रही हो बिट्स पिलानी में, बिट्स बीआईटी मिश्रा में, वहाँ से तुमको बहुत अच्छा कैंपस प्लेसमेंट मिले। बहुत तुम लोग दोनों को शुभकामना। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।